जी राजस्थान द्वारा प्रतिभा वान समारोह के इस आयोजन के अवसर पर उपस्थित पचपदरा के विधायक भाई मदन जी प्रजापत, सिवना विधायक अमीर सिंह जी भायल साहब, रावल साहब किशन सिंह जी, चेयरमैन नगर परिषद बालोत्रा सुमित्रा जी जैन, प्रधान भगवत सिंह जी, मनोज जी माथुर एवं उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, सभी आज इस समारोह में सम्मानित होने वाले प्रतिभावान साथियों। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले मैं आज इस समारोह में मुझे भी यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं जी राजस्थान का, माथुर साहब का और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिस मकसद से इन्होंने इस समारोह का आयोजन किया उसमें ये कामयाब हुए। ये तीसरा समारोह है, आगे भी हर वर्ष इस प्रकार का समारोह ये आयोजित करते रहेंगे। काम करने वाले लोगों का सम्मान भी ज़रूरी है, उससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो उनसे सीख करके कुछ वो भी कर सकें, ये इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पर जिनका सम्मान किया गया उनको बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे आने वाले समय में जो इन्होंने अभी काम किया जिसके लिए वो सम्मानित हुए इससे भी और बेहतर काम करेंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे। हम मनुष्य हैं, मानव जीवन में रहते हुए मनुष्य होते हुए कई प्रकार के काम हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं। इस सांसारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, इसलिए मैं आप सभी श्रेष्ठ महानुभावों को नमन करता हूँ। ये सोचना कि अमुक आदमी ही श्रेष्ठ है, दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये सोचना ठीक नहीं है। हर आदमी श्रेष्ठ है, हर आदमी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। मजदूर अपनी जगह वो बहुत श्रेष्ठ है, अगर आज मजदूर नहीं हो तो मजदूर का काम करने वाला अगर व्यक्ति नहीं होगा तो जो मजदूर का काम कौन करेगा, फिर काम होगा कैसे। तो इस तरह चाहे मजदूर है, किसान है, सैनिक है, हर आदमी अपनी जगह उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत को हर व्यक्ति को समझ करके उसको महत्व देने की ज़रूरत है। इन्होंने आगे भी अब काम करने वाले से कई प्रकार के अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गलतियां भी होती है। जी राजस्थान अच्छे काम करने वाला के आगे लोगों तक पहुँचाए और कहीं कोई कमी खामी रहे, गलतियां रहे तो उसको भी उजागर करना चाहिए, जिससे कि वो कोई कहीं कमी खामी रही है, कोई गलती हुई है तो उसको सुधार सके। आलोचना को बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, आलोचना को किस रूप में लेते हैं उस पर निर्भर करता है। सकारात्मक रूप में लेते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही आगे जीवन में काम आती है। हम भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हम कभी कोई गलती नहीं करते, हमसे भी बहुत गलतियां होती है, काम करने में भी कई कमियां रह जाती है कई बार, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है लोगों का, इसलिए लोगों का उलाना भी सुनना पड़ता है। और मौका आने पर अगर ठीक से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं
तो लोग मौका आने पर उसका वापस हिसाब भी ले लेते हैं। ये 5 साल के बाद में फिर हर साल हिसाब होता है। अधिकारी वगैरह का तो 60 साल में रिटायरमेंट के टाइम होना है। किशन सिंह जी साहब भी सेवा में थे, कस्टम कलेक्टर थे, तो लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मैं मानता हूँ दुर्भाग्य की बात मानता हूँ कि राजनेताओं के लिए सेवानिवृत्ति का कोई है ही नहीं, कॉलम नहीं है संविधान में, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से हम जिंदगी भर इसमें घसीटे जाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं और लोग भी छोड़ने नहीं देते हैं, पता नहीं क्या कारण है, पर हम इसमें लगे रहते हैं अंतिम समय तक, जब तक प्राण है जीवन में तब तक। अगर हमारे लिए भी आयु की सीमा हो जाए तो बहुत अच्छा काम है। अब ये जी राजस्थान है ऐसी मांग उठाओ, लोगों की आवाज़, लोगों से भी आप रायशुमारी करो, आता ना कोई प्रश्न पूछते हैं उसमें कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने ना कहा, तो ये आप लोगों से प्रश्न करिए कितने लोग इसमें हाँ करते हैं कितने लोग ना करते हैं, मतलब लोग देश के लोगों की क्या राय है, देश के लोगों की राय वो काम होना चाहिए। ये देश आम लोगों का है, किसी एक का नहीं है, तो इस तरह से अगर हो जाए तो हमारे को भी आराम मिल जाए। अब मैं रावण साहब को पूछ रहा था, 72 साल के हैं और 60 साल की उम्र में हुए रिटायर आप, हैं 60, मतलब 12 साल हो गए, 12 साल सेवानिवृत्त हुए इनको हो गए, और मैं 75 साल का हूँ और अभी भी चल रहा हूँ और अभी भी कह रहे हैं लोग, मैं तो कहूँ नहीं कहूँ, पर ये कई बार मैं कहता हूँ भाई अब अपने खूब लड़ लिए चुनाव, अब लड़ना नहीं है, तो भी कहते नहीं साहब एक चुनाव तो और लड़ेंगे, फिर कई बार ऐसी बात आ जाती है तो मैं तो कहा एक नहीं मरूंगा तब तक लड़ूंगा, तो ये क्या बात हुई, कभी तो शांति करनी चाहिए हैं, मतलब आदमी की अपनी काम करने की, आदमी को सही बात छिपानी नहीं चाहिए, आदमी की काम करने की क्षमता कम होती है। कोई ये कहे कि मेरी क्षमता जो पहले थी युवा अवस्था में थी 60 साल से पहले थी वही क्षमता आज ही है, ये अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है, मैं तो नहीं मानता इसको। मेरी जो क्षमता पहले काम करने की थी वो क्षमता आज मेरे में नहीं है। मैं पहले जब MLA बना था 80 में, मुझे याद है बाड़मेर से शाम को बस में बैठता, जयपुर पहुंच जाता सुबह, और वहाँ दिन भर काम करता, शाम को बस में बैठ के सुबह बाड़मेर पहुंच जाता एक दिन में। अब पूरे रात बस में बैठ कर अगर जाऊँ जयपुर और फिर वहाँ दिन भर काम करो फिर शाम को बैठ, ये संभव नहीं। तो सही बात को तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सही बात को कोई स्वीकार करता नहीं, और ये फितरत है इंसान की, उसमें खुद में कोई कमी है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, और दूसरों में कोई कमी खामी है या नहीं भी है तो वो ढूंढ निकाल लेता है, कहीं कहीं से ढूंढ लेता है और उसकी कमी खामी को उजागर करने के उसकी आलोचना में ज़्यादा समय खराब करता है, उसके बजाय खुद में क्या कमी खामी है उस पर भी थोड़ा ज़रा अगर बैठ करके 5 मिनट मनन करें, सोच करें, क्यों है मनुष्य में कोई कमी खामी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा गया है जो कभी अब गलती नहीं करे वो मनुष्य नहीं है, वो तो ईश्वर है। फिर जो गलती, ऐसा ईश्वर तो अब कितने गए, यहाँ कोई है क्या ईश्वर, मेरे को नहीं लगता कोई ईश्वर बैठा हो, और जो गलती करे और करके उस गलती को एहसास कर ले, महसूस कर ले तो वो इंसान है, और जो गलती करके गलती को महसूस भी नहीं करे वो इंसान नहीं, वो हैवान है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए कहने को बहुत बातें हैं, काम की इन, विकास की इन, जिले की इन, प्रगति की इन, ये बातें हैं तो अपन करते रहेंगे बहुत समय हम अपने पास करने को, जहाँ भी यहाँ अब सारी बातें करें तो इतना अब कौन सुनेगा, किसके पास इतना समय, मैं तो आखिरी वक्ता हूँ, ये तो ठीक है, अभी उठ के बहुत कम लोग गए होंगे, बैठे ही हैं ज़्यादा, बाकी अमूमन मुख्य वक्ता होता है वो, जब उसका बोलने का समय आता है तब तक तो लोग चले जाते हैं, फिर पीछे सुनने वाले रहते ही नहीं, बहुत कम ही रहते हैं, फिर भी वो अपना गला फाड़ करके कुछ अपनी बात कहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबको विचार करने की ज़रूरत है। आज विकास हुआ बाड़मेर ज़िले में, बहुत अच्छी बात है, किसी समय कुछ भी नहीं था, मुझे ध्यान है सारा वर्णन अगर मैं शुरू से करूँ, पढ़ता था उस टाइम से लेके, पहनने को कपड़े नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे, ये मेरे खुद की बात कह रहा हूँ मैं, औरों के भी होंगे,
लेकिन आज अपन आगे बढ़े हैं आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन संस्कारों में कमी आई है। जो पहले संस्कार थे वो आज संस्कार है क्या? अपने आप बुजुर्ग बड़े आदमी को आदर देते हो क्या? नहीं। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग को आदर देते थे, खाट होती थी, खाट उसमें बुजुर्ग है वो सिरहाने की तरफ बैठता था और वो ध्यान रखता था पूरा उधर, और कम उम्र वाला उधर नहीं बैठता था। क्यों रावण साहब, ये होता था कि नहीं होता था? है तो बड़े बुजुर्गों का और इज्जत देते थे। आज कुछ नहीं है, किधर सिरहाना है पता ही नहीं है, इधर है कि इधर है ये भी मालूम नहीं। तो संस्कारों की कमी आई है। मैं कई बार कहता हूँ, हो सकता है यहाँ बैठे कुछ प्रबुद्धजन हैं, सभी संपन्न लोग हैं तो अच्छी ना लगे, लेकिन मैं कई बार कह देता हूँ, नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी कह देता हूँ। संस्कारों की बात आई, पहले पुराने जमाने का समय भी मैंने देखा, लोग खाना खाते थे, खाना खाने के बाद में थाली उसको खोल करके वो पानी भी पी जाते थे, अन्न थोड़ा बहुत है तो वो भी शरीर में चला जाए, मतलब खराब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो। और आज खाना खाते हो वैसा करते हो क्या? कितना झूठा छोड़ते हो, क्या ये अच्छी बात है क्या? ये तो अभी बायल साहब बहुत बखान कर रहे थे, तो मोदी जी ने भी कही है झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, कही कि नहीं कही? अच्छी बात कही है तो कम से कम फॉलो करो। है नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कि मोदी जी ने कोई अच्छी बात कह दी इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा, ये भी गलत सोच है, ये सही सोच नहीं है। सही बात कोई कहे उसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। तो मेरे कहना मतलब इस प्रकार की ये सोच है, ये संस्कार की बात है, संस्कार अच्छे होने चाहिए। आज स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े, सब तरह से अपन बात कही है, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं है। और आपाधापी बहुत है, सब मेरे ही हो और किसी को कोई जरूरत नहीं। काम है कोई भी है, ठेका है, दूसरा है, धंधा है, वो सब मैं ही करूं, बाकी क्या करेंगे? एक हमारे साथी कोई कहते थे कि तू क्या करेगा पैसों से, हम तो चुनाव ही लड़ेंगे, तू क्या करेगा पैसों से? तो इसलिए कहना मतलब सब कहना मेरे ही हो, दूसरों के भी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। कितना इकट्ठा कर लोगे, कितना भी कर लोगे, कितना भी कर लोगे तो जाना तो पड़ेगा, वो यही रहेगा आखिर, साथ तो कोई लेके नहीं गया, कोई नहीं ले गया। तो इसे सोचने की बात है मेरे कहना। ये तो ठीक है प्रकृति, अभी कह रहे थे पर्यावरण, ये पर्यावरण अगर दूषित हो जाएगा तो फिर सांस ही आएगी नहीं तो मरेंगे। पर्यावरण तो सबसे पहले ज़रूरी है, पर्यावरण के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सके। शुद्ध पर्यावरण नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहोगे? और जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे फिर? जिंदा रहने की तो सोचो, मिलावट, और मिलावट कौन करते हैं? अपने ही लोग, पैसा कमाने के लिए। आज से खाने की चीज़ों में किस प्रकार से कितनी मिलावट होती है, कौन करते हैं? अपने ही लोग करते हैं, और फिर वही लोग सिफारिश के लिए आ जाते हैं कि हमारी सिफारिश करो, फिर उसकी सिफारिश करो, फिर हम लोग देखते हैं इसकी सिफारिश नहीं की तो ये नाराज़ हो जाएगा, वोट टूट जाएंगे, चुनाव में हार जाऊंगा, ये स्थिति है। समझ में नहीं आता है क्या करें कई बार तो। अब जैसा भी है, जो भी स्थितियाँ ठीक नहीं है कुल मिला के, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे कहने का मतलब। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय बहुत ख़राब है। यहाँ आई पहले क्राइम कितने होते थे, अब क्राइम कितने हो रहे हैं, पहले स्ट्रेंथ कितनी थी पुलिस की, अब स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बावजूद भी क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। इस लूणी नदी की बात कर रहे थे, हैं क्या स्थिति आज लूणी नदी की, किस तरह से बजरी का खनन हो रहा है, किस तरह से